अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रेडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस्ड करने की नेक्स्ट मेथड पर, और ये नेक्स्ट मेथड है एन फैक्टर मेथड। तो देखो बच्चों, ये मेथड बहुत ही इजी है और आप इस मेथड से रेडॉक्स इक्वेशंस को बहुत ही इजी गोइंग बैलेंस्ड कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम यहां समझेंगे कि एन फैक्टर है क्या और कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो बच्चों, एन फैक्टर एक्चुअल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं प्रोसेस में, मींस ऑक्सीडाइजर से रिड्यूसर या रिड्यूसर से ऑक्सीडाइजर, उन्हीं नंबर्स को हम एन फैक्टर बोलते हैं। ओके, तो ये जो एन फैक्टर है, रिड्यूसर के लिए कैसे कैलकुलेट करें, ऑक्सीडाइजर के लिए कैसे कैलकुलेट करें, इसका एक रिलेशन होता है, ये है एन फैक्टर ऑफ एनी स्पीसीज। अब चाहे वो ऑक्सीडाइजर हो या रिड्यूसर हो, उसका आपको एन फैक्टर कैसे निकालना है बच्चों, किसी प्रजाति का एन कारक, तो ये फॉर्मूला है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम। आपको ये देखना है कि जो ऑक्सीडाइजर है या रिड्यूसर है, उसमें किस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और वो कितना चेंज हो रहा है। तो वो समझ गए बच्चों कि जो परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन आ रहा है, कितना परिवर्तन आ रहा है वो देखें, और उसमें किससे इंटू करें, नंबर ऑफ एटम्स हूज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन वन मोल ऑफ स्पीसीज। और आपको ये देखना है कि ऑक्सीडाइजर या रिड्यूसर के एक मोल में वो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एक ही एलिमेंट के, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। समझ गए बच्चों कि प्रजाति के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जिनका ऑक्सीकरण अंक बदलता है। यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे। फिर से देखें, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो भी स्पीसीज है जिसका, चाहे वो ऑक्सीडाइजर हो या रिड्यूसर, उसमें वो एटम देखना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और वो कितना चेंज हो रहा है वो, और इनटू नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं उसमें कि कितने एटम्स हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो स्पीसीज के वन मोल में। ओके, अब मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे यहां पर देखो बच्चों, Cr2O7 2-2Cr3+ में चेंज हुआ। यहां अगर ये नहीं भी लिखा तो ध्यान रखें, जितने एटम्स यहां हैं वो इतने ही यहां पे होने चाहिए। तो यहां पर 2, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इसका पर क्रोमियम का 6+ है और यहां जाकर पर क्रोमियम का 3+ हो गया है। तो यहां से यहां आप देखो कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है पर क्रोमियम का, तो पर एटम का कितना चेंज हो रहा है बच्चों, 3, और कुल मिला के कितने एटम्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, 2। तो हमने यहां पर लिखा है एन फैक्टर ऑफ Cr2O7-2=2 नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कितने हो गए 2, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3, तो कुल मिला के कितना हो गया 6। या मैं ऐसा लिख दूं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए बच्चों 2, तो कितना हो गया 6। तो यहां पर Cr2O7-2- जब इसमें चेंज होगा किसी भी रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में, ध्यान रखें उसका एन फैक्टर होगा 6। ओके, MnO4 1- से Mn2+1 बन रहा, बाकी क्या हुआ हम इससे मतलब नहीं, Mn यहां 7+ था और यहां कितना हो गया बच्चों 2+, तो यहां पर MnO4 1- का एन फैक्टर कितना हुआ। तो आप देखो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है 5 और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, तो ये हो गया हमारे पास क्या 5। तो MnO4 1- जब Mn2+ में कहीं भी चेंज होगा किसी रिडॉक्स रिएक्शन में, उसका एन फैक्टर यूज करेंगे 5। अब यहां आ जाए I2 से IO3 1- 1, ध्यान रखें अगर ये नहीं भी लिखा तो ध्यान रखोगे आप यहां 2 आयोडीन एटम है, इसका मतलब है यहां 2 हो जाएगा, तो यहां आयोडीन का 0 है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर पर आयोडीन का, और यहां जाके आप देखो 5+ हो रहा है, कुल मिला के तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, यहां लेंगे आप 5। ओके, कितना हो रहा है 0 से 5+, और कुल मिला के कितने एटम्स हैं 2 आयोडीन के, तो कितना हो गया इसका एन फैक्टर, आयोडीन का जब IO3 1- में चेंज होगा तो यहां आयोडीन का एन फैक्टर होगा बच्चों 10। IO3 1- से iodide- मान को बन रहा है किसी रिएक्शन में, तो यहां पर आप देखोगे इसका 5+ है और यहां जाके 1- हुआ है, तो कुल मिला के कितना चेंज हो रहा है 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ बच्चों 6, और नंबर ऑफ एटम कितना दिख रहा है 1, तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना हो गया 6। तो यहां तक आप बन जाएगा ना एन फैक्टर कैलकुलेट करके। और भी देखो सिंपल से एक दो और बता दूं मैं। ओके, अब कहीं कहीं आप देखोगे फेरस और फेरिक का भी बहुत डिफरेंस आता है कि यहां है Fe2+
और कहीं पर ये Fe3 प्लस में चेंज होगा तो n फैक्टर ऑफ Fe2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 1। क्यों? क्योंकि एक ही एटम है और 1 वैलेंसी का चेंज आ रहा है, तो 1 × 1 = 1। ओके, ऐसा जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि किसी स्पीसीज का कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए या कितने ऐड हो गए, वही उसका n फैक्टर है। Cl2 से सपोज Clo- बन रहा है, अब मैं कहूं कि यहां पर n फैक्टर ऑफ Cl2 कितना है, तो देखो बच्चों यहां 0 था और यहां क्या आ गया, +1। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 1 हो रहा है और नंबर ऑफ एटम्स है, तो ये कितना हो गया इसका n फैक्टर, क्लोरीन का Cl2 का 2 हो जाएगा। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसे नोट कर लो। अब देखो बच्चों, कहीं कहीं पर ऐसा भी आएगा जहां एक ही मॉलिक्यूल के 2 or more atoms टाइप्स ऑफ एटम्स ऐसे होंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा। अब चाहे वो ऑक्सीडाइजर के फॉर्म में हो या रिड्यूसर के फॉर्म में, तब वहां एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें, तो आपको क्या करना है, तो मैंने पहले यही लिखा कि इफ 2 types atoms ओके और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स आर शो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन स्पीसीज। समझ गए बच्चों, प्रजाति में 2 या इससे अधिक प्रकार के परमाणु ऑक्सीकरण अंग परिवर्तन दर्शाते हैं तो टोटल NF एन फैक्टर क्या होगा, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट into number of atoms, ठीक है, whose oxidation number change, type 1 जो हो गया मतलब, okay, जो element first type का है एक उसके लिए ले ले, plus फिर दूसरा item बिल्कुल same इसी तरह से oxidation number change, यहाँ पर भी हो गया, ठीक है, type 2 मतलब other first atom मान लो ये है, second element मतलब हम यहाँ ये कहें कि ये है element first, तो ये क्या हो गया बच्चों, element 2। आप सेकंड एलिमेंट का फिर वही कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है इनटू नंबर ऑफ एटम्स व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, मतलब जितने भी एटम्स जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज शो कर रहे हैं उन एलिमेंट्स के हर एक का एन फैक्टर कैलकुलेट करना है और फिर उसे ऐड कर देना है। देखो जैसे Fe(S2) ये है O2, Fe2O3 + SO2 ये इसमें चेंज हो रहा है, ओके, यहां Fe से Fe2O3 बन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने Fe यहां चेंज, यहां पर देखना है आप एक Fe का 2 प्लस से 3 प्लस में चेंज हो रहा है। अब यहां कितने भी Fe हो हमें इससे कोई मतलब नहीं, यहां S2 थे और पर S का -1 था और यहां जाके 4 प्लस में चेंज हो रहा है, तो देखो बच्चों Fe का 2 प्लस से 3 प्लस, तो यहां पर कितने का चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, 1 का, और यहां देखो बच्चों हर एक सल्फर का -1 था और यहां +4 हो रहा है, तो 5 का चेंज आ रहा है यहां से यहां 5 का, ऑक्सीजन का आप देखोगे 0 से -2 हो रहा है, तो यहां पर ऑक्सीजन का -2, तो FeS2 का जब हम n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो देखो हम लिखेंगे 1 × 1 मतलब Fe के लिए कि एक Fe है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 चेंज हो रहा है, तो ये Fe2 प्लस का होगा, प्लस 2 सल्फर थे और उनका ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है चेंज 5, तो ये हो गया सल्फर 1 माइनस का, टोटल आ गया हमारा कितना 11, मींस FeS2 का इस रिएक्शन में n फैक्टर होगा 11। यहां तक बिल्कुल समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन का n फैक्टर कितना होगा बच्चों, तो देखो 0 था और -2 में चेंज हो रहा है, कुल मिलाकर 2 एटम्स हैं, तो हम लिखेंगे 2 एटम्स * 2 चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, कितना हो गया n फैक्टर, O2 का यहां पर 4 हो गया। तो यहां तक आप फैक्टर n फैक्टर निकालना बिल्कुल समझ गए होंगे। अब चाहे सिंगल एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो पूरी स्पीसीज में, चाहे एक से ज्यादा एटम्स मतलब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो, अब चाहे वो ऑक्सीडाइजर हो रिड्यूसर हो, आप इसी तरह से उसका क्या कैलकुलेट करोगे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर उसका n फैक्टर। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जो इस n फैक्टर मेथड है ना, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बैलेंसिंग का, वो ये है कि जो n फैक्टर है, ठीक है, किसी भी स्पीसीज का उसके मोल फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब है कि n फैक्टर अगर आपको पता चल जाएगा उस रिडॉक्स रिएक्शन का,
तो आप उससे उन स्पीशीज के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस एन फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फैक्टर। मोल्स फैक्टर मतलब मोल्स, स्पीशीज के मोल्स और उसके एन फैक्टर का ये रिलेशन है। समझ गए बच्चों, एन कारक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल कारक, मतलब हमें एक स्पीशीज का एन फैक्टर बटा में दूसरा अपॉन में दूसरी स्पीशीज का मोल फैक्टर। मतलब अगर ये ऑक्सीडाइजर का है तो ये रिड्यूसर का है, तो ये रिलेशन होगा मोल फैक्टर का कि इसके सामने ये और इसके सामने ये रेशियो पता चल जाएगा। तो हमें जो ऑक्सीडाइजर है, सपोज टू ऑक्सीडाइजर, टू स्पीशीज जो है ऑक्सीडाइजर है, तो उसके मोल्स पता चल जाएंगे कितने हैं, और हमें रिड्यूसर के मोल्स पता चल जाएंगे। अभी मैं इसको बस ये मोल्स ही तो उसके क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या है बच्चों, यही तो है क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीडाइजर। ओके, ये क्या है, ऑफ ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर इन बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन। समझ गए बच्चों कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन में ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर के यही क्या है, ठीक है, एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। समझ गए बच्चों कि ऑक्सी कारक और अपचायकों के यही तो क्या है, रस समीकरण मिति इस तरह, और वही हमें कैलकुलेट करने होते हैं। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स उनको बैलेंस्ड करने का तो वही प्रोसेस है जो आपने ऑक्सीडेशन और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में देखा है। तो यहां तक नोट करें, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। अब देखो बच्चों, ये रिएक्शन लिखी है Zn plus NO3 1 minus into Zn2 plus plus NH4 plus। ओके, यहां पर देखो Zn से Zn2 plus बन रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहां पर, 2, ठीक है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक, तो ये कितना है बच्चों, 2। समझ गए ना बच्चों कि जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन तो कितना दिख रहा है बच्चों, 2। समझ गए। और यहां देखो आप NO3 1 माइनस में नाइट्रोजन की 5 प्लस है, और NH4 प्लस 3 में यहां जाके नाइट्रोजन की माइनस 3 हो गई है। तो कुल मिलाकर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है, कि जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है बच्चों वो कितना है, 8। तो यहां पर जिंक का एन फैक्टर कितना हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 2 × 1, तो कितना हो गया, 2। NO3 1 माइनस का एन फैक्टर कितना हो रहा है बच्चों, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 8, नंबर ऑफ एटम्स 1, नाइट्रोजन प्लस का हो रहा है 8, बाकी ऑक्सीजन का तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब यहां आ जाए हम फैक्टर का रेशियो लें, एन फैक्टर ऑफ जिंक अपॉन एन फैक्टर ऑफ NO3, तो ये कितना आ गया बच्चों, 2/8 मींस 1/4। और ये रेशियो किसके बराबर है, रेसिप्रोकल में लेते हैं, तो ये मोल्स ऑफ NO3 1 माइनस मींस NO3 का n मोल फैक्टर, यही क्या है बच्चों, मोल फैक्टर ऑफ NO3 1 माइनस अपॉन मोल फैक्टर ऑफ जिंक। या हम ये कहें कि मोल्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NO3 इन बैलेंस इक्वेशन, और ये अपॉन में जिंक का, तो ये आ गया 1/4 मींस यहां पर NO3 का जो मोल है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बैलेंस इक्वेशन में वो कितना होगा, 1, और जिंक का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा बच्चों, 4। बस अब हम यहां लिख लें, तो जिंक के आगे आपने 4 यूज किया, क्यों, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में बैलेंस इक्वेशन में जो स्पीशीज रिएक्शन कर रही हैं उनके आगे या जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके आगे जो नंबर ऑफ नंबर्स लिखे होते हैं वही उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो आपको इस रेशियो से ये है जो एन फैक्टर के रेशियो से आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका और इसका रेशियो मिल गया, बस आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया इसका बैलेंस्ड इक्वेशन। बस अब इसके बाद आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को वैसे ही बैलेंस्ड करो जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बताया है। इसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस्ड कर दो, हाइड्रोजन को बैलेंस्ड कर दो, पूरा इक्वेशन बन जाएगा। कुल मिलाकर ये जो मेन स्पीशीज है रिड्यूसर और जो ऑक्सीडाइजर है उनके कोएफिशिएंट तो आपको पता चल गए, बाकी के तो आप रूल्स लगा के कर लेंगे। तो यहां तक आप समझ गए, पहले आप इसे नोट कर, एक दो क्वेश्चन और देख लूंगा। अब देखो बच्चों, एक रिएक्शन है ये वाला होता है P4 plus OH minus is equal to PH3 plus
यहां पर लिख देता हूं मैं, ओके। ये रिएक्शन होती है कि P4 plus OH minus is equal to PH3 plus H2PO2 बनना है, ओके। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है, हमें ये देखना है कि P4 कितना मोल्स होगा, PH3 है, ओके। अब आप इसे कैसे बैलेंस्ड करें, देखो n फैक्टर से। सबसे पहले आप ये देखोगे कि मैंने यहां पर पहले P4 से PH3 बनाया है, फिर P4 से H2PO2, क्योंकि यहां पर यही यही रिड्यूसर है और यही ऑक्सीडाइजर है, ओके। तो मैंने एक बार P4 1 कर रखा है, हम यहां ये हो गया 1, ओके, कि हम फास्फोरस P4 का पहला मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसे हमने PH3 में चेंज किया है। तो जब ये 4 थे तो ये भी 4 में चेंज होगा। तो यहां देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितने का आ रहा है, 3 का, क्योंकि 0 है और यहां -3, यहां पर फास्फोरस का, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पर फास्फोरस का कितना है, 3। यहां पर हमने दूसरा इक्वेशन ये लिया है, दूसरा P4 मॉलिक्यूल जो कि H2PO2 1 माइनस में चेंज हो रहा है, तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है बच्चों कितना हो रहा है, 0 से +1। तो हम n फैक्टर, पहली वाली कंडीशन में n फैक्टर P4 का देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 3 का है, 4 एटम्स हैं, कुल मिलाकर यहां 12 हो गया। n फैक्टर इस वाले में आ जाओ तो यहां पर 2 वाले में, तो यहां 1 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, टोटल एटम्स कितने हैं बच्चों, 4, तो ये हो गया 4। तो ये n फैक्टर P4 1 का कितना है, 12 अपॉन n फैक्टर P4 2 का, ये कितना हो गया, 4। 12 अपॉन 4 मींस 3 अपॉन 1, ये रेशियो क्या होगा, मोल फैक्टर ऑफ इसका अपॉन में मोल फैक्टर ऑफ इसका, मतलब है कि जो n फैक्टर P4 1 का जो मोल फैक्टर है वो अपॉन में आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में लेना है, ठीक है, और जो P4 2 का है ऊपर आ गया, मतलब यहां पर मोल ऑफ P4 जो है वो 2 कंडीशन में जो लग रहे हैं वो हो गए 3 मोल्स, और जो 1 कंडीशन में लग रहे हैं वो हो गया 1 मोल, मींस यहां पर P4 2 का जो मोल है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, मोल, ओके, ये कितना हो गया 3, और P4 1 का जो मोल है वो कितना हो गया बच्चों, यहां से देखिए कंपेयर करके 1, तो टोटल मोल्स कितने हुए P4 के, यूज 4। अब हम इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, देखो P4 1 जो कि किसमें PH3 में चेंज हो रहा है, मैंने यहां लिख दिया 4 PH3, ओके। P4 2 जो कि 3 मोल्स में है वो टोटल चेंज हो रहा है किसमें, H2P2O माइनस में, तो इसके हो गए 12 4 12, तो यहां 12 फास्फोरस हो गए, ये P2 का मतलब है P2 नंबर का, ओके, और ये हो गए, यहां हम इसको टोटल ऐड कर दें तो ये होगा 4P4 plus OH minus is equal to 4PH3 plus 12, अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को तो ये हो जाएगा P4 plus OH minus is equal to PH3 plus 3H2PO2 1 minus। अब ये हो गया बच्चों बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनको बैलेंस्ड कर लोगे ना तो आपका एक इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन बन जाएगा। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे यहां पर कि किस तरह से हम n फैक्टर के बेस पर इक्वेशंस को रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं, ओके। यहां तक समझ गए, मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूं, बहुत इजी गोइंग, आप बिल्कुल समझ जाओगे, ये तो थोड़ा टफ था, कोई बात नहीं, बस आप अच्छी तरह से इक्वेशंस पहचाने कि किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है, उसके बेस पर n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है बच्चों, देखो Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस, ओके। यहां से यहां देखें आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो बच्चों कितना हो रहा है 6 प्लस 3 प्लस, तो कितना है 6 का, ओके। यहां से यहां देखें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना है बच्चों 1, समझ गए ना बच्चों, यहां से यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो 1, तो n फैक्टर ऑफ Cr2O7 माइनस 2 तो ये कितना है 6, n फैक्टर ऑफ Fe2 प्लस तो ये कितना है बच्चों 1, यहां आ जाए n फैक्टर ऑफ C, ओके, n फैक्टर ऑफ Cr2O7 माइनस 2 अपॉन n फैक्टर ऑफ Fe2 प्लस, तो ये हो गया 6 बच्चों, ये हो गया 1, ये रेशियो है m फैक्टर ऑफ Fe2 प्लस अपॉन m फैक्टर ऑफ किसका बच्चों Cr2O7 मींस, ठीक है, ये हो गया मोल्स ऑफ Cr2O7 2 माइनस, सॉरी यहां पर आ जाएगा बच्चों क्या कि मोल्स ऑफ
Fe2 plus upon moles of Cr2O7। तो यहां देखो बच्चों कि moles of Fe2 plus वो कितने हो गए 6 और moles of Cr2O7 2 minus का कितना हो गया 1। बस तो आप इस equation को balanced कर सकते हैं। यहां लिख दे रहा हूं तो आप लिखोगे Cr2O7 1 minus 2, तो इसका देखो moles कितना है 1 plus Fe का कितना हो गया बच्चों 6, Fe2 plus gives 2Cr3 plus plus 6 Fe3 plus, बस ये बैलेंस हो गया। बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप बैलेंस्ड कर लो, बन जाएगा n फैक्टर के मेथड। बहुत इजी है बच्चों, n फैक्टर रेशियो निकाल लो, उससे मोल रेशियो निकलेगा ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर का, और बस उनके आगे उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिख दो। और भी देखो आप कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहां पर अगर आप यहां देख लें कि n फैक्टर यही देखो बच्चों FeS2 ओके और प्लस यहां हो गया O2 gives Fe2O3 plus SO2 ओके। अब आपको इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करके देखना है कि इनका क्या फार्मूला बनेगा। देखो आप बहुत इजी कर सकते हैं इसको। यहां पर देखो यहां से यहां पर प्लस 1 मतलब 1 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ठीक है, और यहां से यहां जाओ बच्चों तो 5 का चेंज हो रहा है। तो इसका जो n फैक्टर ऑफ FeS2 है बच्चों वो हो जाएगा 1 plus 2 into 5 means 11। 2 into ये तो हो गया s minus 1 का, और ये किसका हो गया बच्चों Fe2 plus का, टोटल हो गया 11। n फैक्टर ऑफ O2 तो यहां 2 into 2 तो कितना हो गया बच्चों 4। बस अब आपने लिखा n फैक्टर FeS2 upon n फैक्टर O2 is equal to, तो n फैक्टर ये हो गया 11 upon 4। ये किसका मोल्स हो गया बच्चों m फैक्टर ऑफ O2 upon m फैक्टर ऑफ FeS2 means मोल्स ऑफ O2 upon मोल्स ऑफ FeS2 ओके। तो यहां पे लिख दे रहा हूं आपको मोल्स ऑफ O2, तो ये कितने हो गए बच्चों 11। मोल्स ऑफ FeS2 ये कितने हो गए 4। बस अब आप बैलेंस कर दो इक्वेशन। तो आपने लिखा FeS2 plus O2 is equal to Fe2O3 plus यहां पर आपने लिखा है SO2, तो यहां पर आप FeS2 के मोल्स कितने लिए 4, O2 के कितने हो गए बच्चों 11। यहां से आप बैलेंस कर दोगे तो 2 और सल्फर हो गए 8। बस बाकी एटम्स को आप रिएक्शन ऑक्सीजन बेसिक मीडियम में है या न्यूट्रल मीडियम में है या एसिडिक मीडियम में है उसको आप बैलेंस कर लो एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो आप समझ गए होगे बिल्कुल इजी, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने में। देखो और भी बताता हूं मैं आपको, किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस करने, बस आपसे अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकालना आ गया तो आप n फैक्टर इजी कोई निकाल सकते हैं और उसके बेस पर आप बता सकते हैं। यही है MnO4 1 minus, या मैं यहां पर लिख दूं कि ये लिखा है MnO4 1 minus plus Cl is equal to MnCl2 plus Cl2।